हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इस एप्शन पे हम जानेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हैं uh, जिसके जरिए से हम एक सिंपल प्रोपोजिशन को कंपाउंड फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जान सकेंगे लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रिवियसली जितनी वीडियोज़ हैं या अपकमिंग वीडियोज होंगी वमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फादुसैन सी एस से स्विच करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंचेंगे इसके प्ले लिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ मौजूद है विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड ये तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग फाद हुसैन सीज स्पॉट डॉट कॉम पर जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरबक जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉमेशन मिलती रहे तो हम रोजन की बुक को फॉलो कर रहे हैं चैप्टर वन पर हमने लास्ट वीडियो सेशन तक प्रोपोजिशन को जाना था प्रोपोजिशन क्या है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरह से किसी स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं या नहीं वो सारी चीज़ें हमने देखी अब हम लॉजिकल कनेक्टिव्स की तरफ मूव हो रहे हैं तो सबसे पहले एज यूजल हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से वो कनेक्टि मौजूद हैं तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रिकॉल इट कि प्रोपोजिशन क्या था प्रोपोजिशन को चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते थे कि वो स्टेटमेंट है या नहीं और उसके बाद उसकी हम ट्रू वैल्यूज देखते थे ट्रूथ वैल्यूज कि uh, वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है या नहीं तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें आई लाइक ए आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो या तो मैं इसे लाइक like कर रहा हूं ठीक है या मैं नहीं कर रहा इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रोपोजिशन है साथ ही साथ फिर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखते थे कि हम उसे किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे P, Q, R एंड सो ऑन इस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते थे तो जब इस फॉर्म तक हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल या एक ही प्रोपोजिशन होता था तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ये कहता है कि एक से ज्यादा प्रोपोजिशन को जब हम मिला लेते हैं तो उसे कंपाउंड प्रोपोजिशन कहा जाता है और किन कनेक्टिव्स के जरिए से मिलाया जाता है या बनाया जाएगा एक से ज्यादा को मिलाकर एक उसे हम लॉजिकल कनेक्टिव कह रहे होते हैं जो सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पर मैंशन किया हुआ इन हेडिंग सो द पैराग्राफ इज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू फॉर्म आर न्यू प्रोपोजिशन ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन यानी एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को मिलाकर लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए से कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाए जाते हैं तो वो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हैं देर आर फाइव लॉजिकल कनेक्टिवस द स्टार्ट फ्रॉम वन इट्स अ निगेशन तो ये साइन है निगेशन को रिप्रेजेंट करने का दिस वन प्रोग्रामिंग सेंटेक्स में बात करें तो जो नॉट की डेफिनेशन होती है वही निगेशन की डेफिनेशन है यानी अगर मैं किसी ट्रू वैल्यूज़ के साथ निगेशन लगाता हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव के में लगाऊँ तो वो ट्रू हो जाएगी एग्जाम्पल देखेंगे सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी सेकेंड कंजंक्शन है जिसे इस साइंस से रिप्रेजेंट किया जाता है कैप कह सकते हैं आप इसे लॉजिकल uh, में कंजंक्शन uh, को एंड कहा जाता है यानी एक से ज़्यादा अगर हमारे पास प्रोपोजिशन uh, मौजूद है तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है इन सेंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज़ थर्ड वन है डिसजंक्शन uh, जिसे इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जाता है वी के लॉजिकल नेम पे हम इसे और कहेंगे और के दो टाइप्स हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव दोनों चीजों को हम समझेंगे ठीक है जिसे हम सिंपल इंक, इंक्लूसिव को और जबकि एक्सक्लूसिव को जोर कह रहे होते हैं थर्ड हमारे पास इंप्लीकेशन है जिसे इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग सेंटेक्स में आप इसे इफ दैन कह सकते हैं जिस तरह इफ दैन की स्टेटमेंट होती है एम्प्लीकेशन वहीं पर अप्लाई किया जाएगा आ, लास्ट जो फिफ्थ है हमारे पास बाय कंडीशनल है उसे इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है बोथ एरो और प्रोग्रामिंग सेंटेक्स में आप इसे इफ एंड ओनली इफ कह सकते हैं पांचों की एग्जाम्पल समझेंगे लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट को हम समझ ले, आ, समझ लेते हैं ट्रूथ टेबल मुमकिन है कि आपने इससे पहले यह वर्ड सुना हो आ, तो ट्रूथ टेबल क्या चीज होती है ट्रूथ टेबल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम इनपुट फोर इनपुट एंड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट यानी ट्रूथ टेबल किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ दी इनपुट्स पे आने वाले डिफरेंट आउटपुट्स का एक टेबुलर फॉर्म होता है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि पॉसिबल इनपुट्स वैल्यूज़ क्या हैं और उनके बिहाफ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं तो जब भी हम किसी लॉजिकल कनेक्टिव्स या प्रोपोजिशन को चेक कर रहे होते हैं कि इसके पॉसिबल कितने ट्रूथ वैल्यूज़ हो सकती हैं और उस बिहाफ पर कितने पॉसिबल आउटकम होंगे तो वहाँ पर हम टूथ टेबल देख रहे होते हैं निगेशन से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल को uh, वीडियो ज़रूर लॉन्ग होगी लेकिन uh, बहुत ही यूज़फुल होगी क्योंकि सारी चीज़ों को हम लॉजिकल कनेक्टिवस को इंक्लूडिंग एक्जाम्पल हम इस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं निगेशन अभी हमने देखा इसका मतलब है नॉट यानी किसी भी स्टेटमेंट पे जब नॉट लगा दिया जाता है जिसे हम इस तरह से या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है कोई भी साइन लगाया जा सकता है लेकिन अप्रोप्रिएट यही है कि आप इसे फॉलो करें तो एक स्टेटमेंट है आई एम एन क्लास तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सिंपल प्रोपोजिशन पी से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं लेकिन जैसे यहां पर नॉट लिखा गया मैं निगेशन लगाऊंगा ठीक है तो इसी तरह कैट कैन नॉट फ्लाई अगर कैट फ्लाई uh, होता तो यहां पे मैं कोई भी वेरिएबल बना सकता था फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया लेकिन कैन नॉट की वजह से यानी ये नेगेटिव हो गया तो मैं नेगेशन लगाऊंगा टुडे इज संडे तो मैं यहां पर एक वेरिएबल एस ले सकता हूं लेकिन अगर टुडे इज नॉट संडे होता तो मैं यहां पर निगेशन लगाता तो मैं यहां पर नॉट का इजाफा कर दे रहा हूं ठीक है अब इस बिहाव पे नेगेशन जो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है इसकी ट्रूथ टेबल्स क्या हो सकती हैं यानी एक ही वेरिएबल्स को हम या तो एक दफा ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे तो यहां पर मैंने वी पी लिखा उसके पॉसिबल इनपुट लिख दिए यानी कोई प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है अब इसी पर जब मैं निगेशन ऑफ पी करूंगा तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा यानी यही पॉसिबल इनपुट और यही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं और इसी को ट्रूथ टेबल कहा जा रहा है किसका निगेशन का वेरी सिंपल कंजंक्शन ठीक है कंजंक्शन क्या चीज है लॉजिकल ऑपरेटर में हम इसे एंड कह रहे होते हैं और एंड पे हम जानते हैं कि मल्टीपल कंडीशन में दोनों का ट्रू होना जरूरी है डेफिनेशन कहती है कि लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डोनेटेड बाय पी एंड क्यू ठीक है इस साइन को एंड पढ़ा जा रहा होता है इट्स अ प्रोपोजिशन पी एंड क्यू द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू वैन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज़ यानी पी एंड क्यू पर अगर मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूं कंजंक्शन तो दोनों की ट्रूथ वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है उसी बिहाव पर वो ट्रू वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगी अदरवाइज वो फॉल्स देगी कैसे एग्जाम्पल समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है टुडे इज़ फ्राइडे तो मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट एक प्रोपोजिशन पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंड है तो एंड के लिए मैं एंड का साइन बना लूंगा सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है इट इज़ रेनिंग टूडे तो मैं ऐसे क्यू कह लेता हूं ठीक है दो अलग अलग, अलग प्रोपोजिशन को कंजंक्शन लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए ज्वाइन किया गया है इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में देखें आई वुड लाइक पिज्जा तो मैं इसे वेरिएबल पी कह सकता हूँ एंड साइन एंड आ सलाद फॉर लंच इसे मैं क्यू कह सकता हूँ वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल या सेकेंड एग्जाम्पल किसी के बिहाफ पर भी ट्रूथ वैल्यूज बनाऊँ तो दो वेरिएबल हैं पी एंड क्यू अब जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो आप फ्रॉम राइट हैंड साइड टू की पावर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो ये टू की पावर जीरो टू की पावर वन तो टू की पावर ज़ीरो का मतलब है वन तो हमें एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स लिखेंगे टू की पावर वन का मतलब है टू तो टू टाइम ट्रू एंड टू टाइम फॉल्स अगर एक से दो से ज्यादा होते तो आप टू की पावर वन हो जाती है टू की पावर टू हो जाती एंड सो ऑन उसी भी पर काउंट ऑफ द ट्रू एंड काउंट ऑफ फॉल्स लिखा जाता डेफिनेशन पे हमने देखा कि कंजेंशन में दोनों का ट्रू होना जरूरी है उसी बिहाव पर ये ट्रू वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा तो फर्स्ट स्टेज पर ही हमें दोनों वैल्यूज ट्रू मिल रही हैं इसके बाद हमें कहीं पे भी दोनों ट्रू नहीं मिल रही तो यही वजह है कि हमने बाकी रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज में फॉल्स लिखा है जो उसकी ट्रुथ वैल्यूज के इनपुट के बिहाव पर ट्रुथ वैल्यूज आउटपुट बता रही है नेगेशन एंड कंजंक्शन ओफली आपको क्लियर होगी कि डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या हो सकती है इंक्लूडिंग ट्रूथ टेबल द थर्ड वन डिसजंक्शन जिसे हम और कहते हैं तो और पे हम जानते हैं कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रू माना जाता है डेफिनेशन कहती है कि लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशन द डिजंक्शन पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी एंड क्यू तो पी के एंड के लिए जो है सॉरी और के लिए हम यहाँ पर इस तरह से वी बनाते हैं सो इट्स अ प्रोपोजिशन पी और क्यू द डिजंक्शन पी एंड क्यू इज फॉल्स वैन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स ये उसी वक्त फॉल्स होगा जब दोनों यानी पी एंड क्यू दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या हो इनिशियली फॉल्स हो और अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज हम कंप्लीट स्टेटमेंट को क्या मानेंगे ट्रू मानेंगे तो और के अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास एक सिंपल और है और दूसरा जोर है जिसे हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कह रहे होते हैं क्या फ़र्क है इंक्लूसिव और कहता है द डिसजंक्शन इज ट्रू वैन लीस्ट वन ऑफ टू प्रोपोजिशन इज ट्रू यानी दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो हम कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे ठीक है इंक्लूसिव में अगर मैं इसको लॉजिकल पे कहूँ तो सिंपल और में एग्जाम्पल क्या हो सकती है स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने कैलकुलस लिया हुआ है या फिर कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है वो कैलकुलस वो जो है वो क्लास ले सकते हैं लेकिन अगर आप देखो कि दोनों स्टूडेंट ना कैलकुलस लिया हुआ और ना ही कंप्यूटर साइंस लिया हुआ तो वो क्लास नहीं ले सकता अगर उसने कैलकुलस लिया हुआ तो भी वो क्लास ले सकता है और कंप्यूटर साइंस लिया हुआ तो भी वो क्लास ले सकता है यानी या तो दोनों ले या एटलीस्ट कम से कम कोई एक ले ले तो हम कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे एक्सक्लूसिव क्या कहता है जिसको हम जो कहते हैं ये कहता है द डिसजंक्शन इज ट्रू ओनली वैन वन ऑफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू ठीक है यानी उसी वक्त ट्रू होगा जब सिर्फ एक ही प्रोपोजिशन ट्रू हो यानी ना तो दोनों ट्रू हो और ना ही दोनों फॉल्स हो क्या एग्जाम्पल हो सकती है एग्जाम्पल uh, में कहा जा रहा है आइसक्रीम और पुडिंग विल बी सर्वड आफ्टर लंच यानी आइसक्रीम या फिर पुडिंग सर्व की जाएगी लंच के बाद ठीक है फॉर एग्जाम्पल पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आइसक्रीम दिया जाए कंप्लीट स्टेटमेंट थ्री है सेकंड पे ये हो सकता है कि सिर्फ पुडिंग दी जाए तो भी ठीक है लेकिन थर्ड में हम ये कहते हैं कि हमें आइसक्रीम भी दिया जा रहा है और पुडिंग भी दिया जा रहा है तो ये चीज़ फॉल्स हो गई क्यों क्योंकि यहां पर और मौजूद था तो दोनों चीजें नहीं दी जा सकती इसी तरह से आप यह समझें कि आइसक्रीम भी नहीं दी गई और पोडिंग भी नहीं दी गई तो लंच के बाद जो कंप्लीट स्टेटमेंट का ट्रू होना पॉसिबल था वो भी पॉसिबल नहीं हो सका तो यही फर्क है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं इंक्लूसिव की तो वो ये रही ठीक है अभी हमने इंक्लूसिव पे देखा था कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा एक ट्रू यहां पर है यहां पर भी एक ट्रू है और यहां पर भी एक ट्रू है तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई यहां पर ट्रू नहीं है दोनों या एक भी नहीं है तो कंप्लीट फॉल्स बनाया गया एक्सक्लूसिव में हमने अभी डेफिनेशन देखा ना ही दोनों ट्रू हो ना ही दोनों फॉल्स हो कम से कम यानी एक ही उसमें जो है वो ट्रू होने चाहिए तो आप देखें दोनों ट्रू हो गई तो भी ये फॉल्स है दोनों फॉल्स हो गए तो भी ये फॉल्स है और दोनों में से एक यानी या तो आइसक्रीम या फिर प्रडिंग सर्व की जा रही है तो ही हम इसे ट्रू मानेंगे जब हम जोर की बात करते हैं तो जोर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन और इस पर एक तरह से सर्कल बना हुआ होता है और यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है तो हमने क्या क्या देखा निगेशन देख लिया कंजंक्शन देख लिया डिसजंक्शन देख लिया और एंड जो में फ़र्क भी समझ लिया स्टेटमेंट वाइज़ भी और ट्रूथ टेबल वाइज भी दो तो मजीद रह गए इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन को मल्टीपल नेम्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बिहाफ पर आप अपकमिंग डेज़ में मजीद और भी एग्जाम्पल्स या और फर्दर कॉन्सेप्ट प्रोपोजिशन पर देख रहे होंगे एम्प्लीकेशन को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं और एम्प्लीकेशन भी कहते हैं और हम इसे पढ़ते हैं इम्प्लाइज के फॉर्म पर ठीक है कैसे लेट पी एंड क्यू प्रोपोजिशन द कंडीशनल स्टेटमेंट पी एम्प्लाइज क्यू यानी कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिखूंगा और मैं पढ़ सकता हूँ ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी है और मैं इसे इस तरह से पढ़ सकता हूँ पी एम्प्लाइज क्यू या इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ इफ पी देन क्यू यही चीज आगे बताई जा रही है इज द प्रोपोजिशन इफ पी दैन क्यू विच इज फॉल्स वैन पी इज ट्रू ठीक है एंड क्यू इज फॉल्स अदरवाइज ऑल द कंडीशन सर्व फॉर द ट्रू यानी सिर्फ एक कंडीशन पर एम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगी जब आपके पास P की वैल्यू ट्रू हो और Q फॉल्स हो अदरवाइज तमाम फर्दर कंडीशन पर हम अपने उस कंडीशनल स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे अगर मैं इसको एग्जाम्पल में जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिफाइन करूं, कि जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट होता है जिसे हम P कहते हैं उसे कहा जाता है हापोथिसिस और जो सेकेंड पार्ट है जिसे वेरिएबल मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसे कहा जाता है कंक्लूजन तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप अप अपने हाइपोथेसिस को बता रहे होते हो अपने आइडिया बता रहे होते हो और सेकंड स्टेटमेंट में उसका रिजल्ट बताते हो जिसे हम कंक्लूजन कह रहे होते हैं ठीक है तो यहां पर जो ऊपर बताया गया था पी इस ट्रू इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट ट्रू हो लेकिन दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो ही हम उसे फॉल्स मानेंगे वगड़ना बाकी तमाम कंडीशन में ट्रू होगा कैसे चारों चीजें यहां पर बताई गई हैं एग्जाम्पल में कहा जा रहा है इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस यानी मैं कह सकता हूं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरह से क्योंकि इसमें इफ मौजूद है और देन मौजूद है पहली चीज हमने ये देखी अब मैं फर्स्ट पार्ट को कह सकता हूं कि प्रोपोजिशन पी से रिप्रेजेंट हो रहा है और सेकंड में को मैं कह सकता हूं कि ये क्यू से कौन सा आई विल लोअर द टैक्स कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एरो बनाया जाएगा पहली चीज हो गई अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट में हो गया लेकिन लोअर द टैक्स भी मैंने कर दिया यानी पहली कंडीशन भी ट्रू हो गई और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई ठीक है सेकंड क्या हो सकता है मैं इलेक्ट नहीं हुआ यानी फॉल्स लेकिन मैंने टैक्स को लोअर कर दिया तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई थर्ड क्या हो सकता है ना ही मैं इलेक्ट हुआ ना ही मैंने टैक्स को लोअर किया यानी दोनों चीजें फॉल्स हो गई फोर्थ में कहा जा रहा है कि मैं इलेक्ट हो गया लेकिन मैंने टैक्स को लो नहीं किया तो फॉल्स हो गया और अभी हमने ऊपर देखा कि कंप्लीट स्टेटमेंट को उसी वक्त फॉल्स माना जाएगा जब पी आपका ट्रू हो जाए लेकिन क्यों फॉल्स हो और आप यहां देखें कि आपका पी ट्रू हो गया लेकिन क्यू फॉल्स हो गया इस बिहाफ में मैं कंप्लीट स्टेटमेंट को क्या कहूंगा फॉल्स और अदरवाइज जितने भी तीन कंडीशंस थे उसे ट्रू ही कंसीडर किया जाएगा यही चीजें इसके ट्रू टेबल पर बताई जा रही हैं कैसे पीम प्लाइस क्यू को लिखने का तरीका टू की पावर जीरो टू की पावर वन तमाम वैल्यूज लिख दी दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है पहली चीज ट्रू है सेकंड फॉल्स है सिर्फ ये चीज डेफिनेशन पे बताई गई थी क्योंकि यही चीजें हमें मेमोराइज करनी है उसके अलावा बाकी चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हर कंडीशन पे फर्दर ट्रू ही रहेंगे आपका हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन ट्रू हो गया कोई मसला नहीं ट्रू ना ही आप इलेक्ट हुए ना ही आपने लोअर टैक्स किया कोई मसला नहीं तो भी कंडीशन ट्रू है तो इस तरह से हमने एम्प्लीकेशन को समझा जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं पढ़ने के लिए एम्प्लाइज या इफ पी देन क्यू पढ़ रहे होते हैं स्टेटमेंट लिखने का तरीका और उसकी ट्रू टेबल को अंडरस्टैंड किया एंड द लास्ट वन बाय एम्प्लीकेशन बाय एम्प्लीकेशन क्या कहती है लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे हम इस तरह से लिखते हैं इज अ प्रोपोजिशन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू तो ये इस तरह से रीड किया जाता है कि पी पहला स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली इफ क्यू द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी बाय कंडीशनल क्यू इज ट्रू व्हेन पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज यानी इस बाय कंडीशन को हम उस वक्त ट्रू मानेंगे जब दोनों की यानी पी की एंड क्यू की जो ट्रूथ वैल्यूज है वो क्या हो सेम हो क्या मतलब हुआ पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी भी फॉल्स है क्यू भी फॉल्स है कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी अदरवाइज सो द कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड बाई इम्प्लीकेशन कंडीशनल को हम क्या कहते हैं बाय इम्प्लीकेशन कह रहे होते हैं एग्जाम्पल समझते हैं यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट देखो अगर मैं कहता हूं कि मैंने टिकट खरीदा है पी के लिए ठीक है वेरिएबल बनाया मैंने इंप्लीकेशन का और क्यू यानी मैंने इसे भी ट्रू कर दिया और इसे भी ट्रू कर दिया ठीक है मैंने टिकट खरीद लिया मैं फ्लाइट पर भी चला गया सेकंड कंडीशन देखो ना ही मैंने टिकट खरीदा और ना ही मैंने फ्लाइट की तो भी ठीक है कोई मसला नहीं कोई लॉस नहीं हुआ मैं दोनों चीज़ें ट्रू रही लेकिन अगर आप इसको इन्वर्स करो ट्रू फॉल्स पे कि मैंने टिकट लिया ठीक है लेकिन आ, मैंने फ्लाइट नहीं ली ठीक है या मैंने फ्लाइट ली लेकिन टिकट नहीं लिया तो इन दोनों कंडीशन पे क्या हो जाएगी चीज़ें फॉल्स हो जाएंगी क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए आप वो काम कर रहे हैं वो चीज़ फुलफिल हो ही नहीं रही है यही चीज़ें हमें बाई कंडीशनल या बाई इम्प्लीकेशन बता रही थी तो ट्रूथ टेबल पर अगर आप इसी चीज़ को देखें पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स हैं फर्स्ट पे तो ही ये ट्रू हुआ अदरवाइज दोनों चीज़ों पे ये चीज़ें क्या आ रही हैं फॉल्स आ रही हैं तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि कंपाउंड प्रापोजिशन क्या चीज़ है लॉजिकल कनेक्टिवस पांच कौन कौन से हैं बाई यूजिंग द अप्रोच और द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रूथ टेबल पांचों को हमने डेफिनेशन पांचों की समझी एग्जांपल्स देखी और प्रॉपर तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया होपफफली आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी फिर भी अगर कोई सवाल कोई चीज़ समझ में आई है कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें कोशिश करूंगा इस सवाल से आपको बर्व जवाब दे सकूँ वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें ज़्यादा से लोगों को शेयर करें क्योंकि नेक्स्ट सेशन पर हम मजीद इंपॉटेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वन से ऑनवर्ड तो नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी सही उद्यार